नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्य दुबे स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल दी ऑर्डरिंग पे। चुनाव के तीन चरण खत्म होने के बाद उत्तर प्रदेश में जब हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रक्रिया चुनाव की आगे बढ़ रही है, तो अभी का जो सबसे बड़ा एक सवाल उभर के सामने आ रहा है वो है अमित शाह का BSP यानी कि बहुजन समाज पार्टी को एक रेलिवेंस पार्टी बताने का आखिर उनके पीछे की क्या मंशा है। कई राजनीतिक विशेषज्ञ इस बात को एक ऐसे तरीके से ले रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये भाजपा का BSP की तरफ एक प्रकार का रुझान दिखाता है। अमित शाह दरअसल एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल को अपना साक्षात्कार देते हैं और उसमें वो बताते हैं, जब उनसे ये सवाल किया जाता है कि बहुजन समाज पार्टी को वो कितने हद तक एक दमदार पार्टी है, फिर उस पार्टी का क्या स्टैंड समझते हैं, तो वो बोलते हैं कि अगर देखा जाए तो BSP की रेलिवेंसी अभी भी बनी हुई है और BSP को वोट आएंगे, वोट कितना कन्वर्ट होगा और कितने वोट आएंगे ये कहना थोड़ा मुश्किल है, पर हाँ इस पार्टी को वोट तो आएंगे। तो इससे हम यह समझ सकते हैं और बहुत से राजनीतिक दल हैं जो कि इन गलियारे हैं जो राजनीति की, उसमें ये हलचल मच गई है कि कहीं ना कहीं BJP का रुझान BSP की तरफ होता हुआ नजर आ रहा है। बात यहाँ पे इसलिए ज़्यादा दिलचस्प हो जाती है क्योंकि ये जो टाइमिंग है इनके इस बयान की, यह सबसे महत्वपूर्ण एक किरदार निभाती है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो बताते हैं, जो वो बयान देते हैं रेलिवेंसी की जो वो बात करते हैं, कहीं ना कहीं वो मुस्लिम वोटों की तरफ भी इशारा करता है। वो दरअसल मुस्लिम वोट किधर जा रहे हैं इस बात को एक तरीके से असमंजस में डालने का एक पैंतरा है। अगर हम बात करें कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों की, तो वो ये बताते हैं कि इस तरीके का बयान एक तरीके से मुस्लिम वोटों को बांट लेता है, एक तरीके से ये उन्हें कंफ्यूज करने की शैली कही जा रही है कि ये बयान उन्हें एक तरीके से असमंजस में डाल रहा है। और हम इस बात पर, इस पहलू पर अगर देखते हैं कि किस प्रकार से वो उन्हें असमंजस में डाल रहा है, तो ये हमें मालूम पड़ता है कि यह बात भी कही जा रही है कि अमित शाह के इस तरह के बयान देने से हो सकता है कि कुछ मुसलमान वोट बटें। अगर मायावती को एक मुख्य चैलेंजर के तौर पर पेश किया जाता है तो मुसलमान हो या फिर जाटा, वो उन्हें वोट देंगे। लोग उसी को वोट देना चाहते हैं जिनमें वो जीत की संभावना देखते हैं, कोई भी हारने वाले कैंडिडेट के लिए वोट नहीं करना चाहता। एक परसेप्शन ये बन रहा है कि इस चुनाव में मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ हैं, अगर उस वोट में बंटवारा होता है तो BJP को फ़ायदा होगा। यह बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि अभी भी चुकी है पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव खत्म हो चुके हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बारी है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के बहराइच, गोंडा, आजमगढ़, मऊ, वाराणसी जैसे इलाकों में मुसलमान वोटरों की तादाद काफ़ी है। तो इसलिए भी अगर हम इस पहलू को देखते हैं कि किस प्रकार से ये उनके वोटों में सेंध मारने की कोशिश की जा रही है, तो यह एक बहुत दिलचस्प राजनीतिक पेच और षडयंत्र के तौर पर सामने आता है। कहीं ना कहीं यह जो बयान है इन चुनाव को, जो विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, उन्हें वह त्रिकोणी बना देता है। और यह बात इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को समाजवादी पार्टी गठबंधन बनाम भाजपा गठबंधन मानती है, लेकिन वे साथ ही जोड़ती है कुछ सीटों पर मुकाबला जो त्रिकोणीय बनाती है, वह इसलिए क्योंकि जहाँ कहीं कांग्रेस लड़ाई में है और कहीं मायावती के उम्मीदवार उन्हें टक्कर दे सकते हैं। इन चुनावों में दरअसल सपा भाजपा की आमने सामने की लड़ाई भाजपा को सूट नहीं करती है, वो हमेशा चाहेगी कि चुनाव में लड़ाई त्रिकोणीय हो या फिर चौतरफा हो ताकि विपक्ष के वोट आपस में बट जाएं। वहीं समाजवादी पार्टी को सूट करता है कि चुनावी भाजपा बनाम सपा हो ताकि फ्लोटिंग वोटर भी उनकी तरफ आ जाएं और उन्हें मजबूती मिले। तो ये एक तरीके से अगर हम देखें तो ये सारी चुनावी तरीके हैं, ये सारे चुनावी पैंतरे हैं। तो एक एक बयान किस प्रकार से मायने रखते हैं, एक एक बयान से किस प्रकार का बदलाव आ सकता है लोगों की मानसिकता में, मतदाता की मानसिकता में, यह एक बहुत ही रोचक तथ्य है। एक बहुत ही रोचक, अगर हम कह सकते हैं कि एक इलेक्शन का एक बहुत ही रोचक प्रोसेस है जिसके जरिए एक एक वोट के लिए किस किस प्रकार की लड़ाइयाँ हो रही हैं।
तो हर एक बयान और हर एक छोटी से बड़ी जो भी बयानबाजी होती हैं बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाती हैं इस प्रकार के चुनावों में। तो बने रहे हमारे चैनल दी ऑर्डरिंग के लिए बाकी की खबरों के लिए। धन्यवाद।